सुखा सचम, क्या कल हम एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए शॉपिंग चलें? हाँ, एक एंगेजमेंट रिंग। हाँ, एंगेजमेंट रिंग जो हमारी प्यार की निशानी है, ये चमकता हुई डायमंड तुम्हारी उंगली के ऊपर। हमारी प्यार सच में एक एटर्नल लव जैसा है ना सुखासा। कवाई मेरे हस्बैंड अचानक इतना रोमांटिक बन गया? सच कहे तो मुझे नहीं चाहिए। हमारी शादी हो चुकी है तो अभी एक एंगेजमेंट रिंग अजीब होगा। लेकिन एंगेजमेंट रिंग तो हमारी प्यार की निशानी है ना, तो इसीलिए हम दोनों की उंगली के ऊपर डायमंड रिंग रहना जरूरी है ना। दोनों के हाथ में? डार्लिंग, क्या आप वेडिंग रिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या एंगेजमेंट रिंग्स और वेडिंग रिंग्स दोनों अलग अलग हैं? एक एंगेजमेंट रिंग तब दिया जाता है जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और उसका कीमत होता है 3 मंथ्स की सैलरी। उस रिंग में होता है एक बड़ा सा डायमंड जो कि दिखने में कमाल का होता है, उसे ही लोग एंगेजमेंट रिंग कहते हैं। और बस एक ही रिंग प्रपोजल के दौरान लड़की को दिया जाता है, और क्योंकि वो दिखने में फ्लैशी है इसलिए पार्टी वगैरह में ये सब पहना जाता है। और आप जिस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो है वेडिंग रिंग, जो कि पति पत्नी के पास होते हैं और उन्हें रिंग फिंगर्स कहा जाता है। डैशिंग मैन और वोमेन के लिए थोड़ा अलग होता है, लेकिन उन्हें हर दिन पहने रखना पड़ता है, इसलिए लोग ज्यादातर सिंपल रिंग ही चूज करते हैं। अब समझ गया, तो इसका मतलब हमें कुल मिला के 3 रिंग्स चाहिए जिनके अंदर एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग्स दोनों। क्या ये 1 कैरेट डायमंड रिंग का एक पैर है क्या? नहीं, ये बस एक ही अंगूठी की कीमत है और इसकी कीमत शुरू होती है 3.4 मिलियन येन से। हमारे पास इससे भी ज्यादा हाई प्राइस के आइटम है, क्या आप देखना चाहेंगे? नहीं रुको, 1 मिनट। हेलो गाइस, वेलकम टू कार्डिनल वाइड। मैं हूँ आपका नासाकुन फ्रॉम टोनिकावा हवाई। एपिसोड 5 आने में सच में बहुत दिन हो गया, और इसका रीज़न भी आप सबको ऑलरेडी अच्छी तरह पता है। हमारे चैनल पर टोनिकावा का व्यूज़ बहुत कम हो रहा है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, लेकिन हमारा ही कंटेंट को दूसरे यूट्यूब चैनल्स ने चुरा के उनका वेबसाइट्स पर और उनके यूट्यूब चैनल्स पर रख रहे हैं, और उनको हमसे भी ज़्यादा और ज़्यादा भी नहीं उससे भी ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, लाइक 7K 10K व्यूज़। जो काम हमारे हमें नहीं मिल रहा है लेकिन दूसरे लोगों को मिल रहा है, ऐसा हो गया है कि काम हमारा और फ़ायदा दूसरों का। तो हम चाहते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी देख सकते हो क्लियरली टोनिकावा कावाई अटैक एंड टाइटन्स, ये दोनों ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और टोनिकावा से ज़्यादा अटैक एंड टाइटन्स में, उसमें तो बहुत सारे डबर्स को काम करना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, और एडिटिंग का काम तो पूछो भी मत, वो तो बहुत बहुत हार्ड है, करने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 डेज चली जाती है, क्योंकि वॉइस सेट करना है, फिर से वोकल सेट करना है, लिप मैचिंग देखना है, और साउंड ट्रैक, ये भी तो बहुत हार्ड काम है। हमारा पूरा टीम इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, इसकी वजह से टीम बहुत डल हो गए है, और किसी को भी डबिंग करने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सबको डबिंग कोई ऑफिशियल डबिंग नहीं, हमारा फ़ैन डबिंग है ना ही, हमें इससे कुछ भी नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स और व्यूज ही तो हम चाहते हैं, अगर ये भी नहीं मिल रहा हो तो करने का किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रह रहा है। बट अगर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो जल्दी ही एपिसोड को डब करके रिलीज कर देंगे। तो प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स से भी सबसे सब्सक्राइब करवाओ। जितना जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ही जल्दी एपिसोड्स आ जाएगा, और जब टोनिकावा का पूरा एनमी ख़त्म हो जाएगा हम एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाएंगे, और उसमें आपको पूछेंगे कि आपको नेक्स्ट क्या एनमी चाहिए, और उस एनमी को ही हम डब करेंगे। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। और वेट, मैं एक और न्यूज़ भी बताना चाहता हूँ एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड 6 का भी रिलीज डेट मैं बता दूंगा अभी, सिर्फ एपिसोड 6 का ही नहीं, सारे एपिसोड्स का भी, टोनिकावा का। एवरी 100 सब्सक्राइबर्स के बाद एक एपिसोड रिलीज होगा, पर एग्जैक्टली अब 900 में एक एपिसोड आया, नेक्स्ट 1K में 6th एपिसोड आएगा, इस तरह एवरी 100 एपिसोड में 100 सब्सक्राइबर्स के बाद एक एक एपिसोड रिलीज करेंगे। और एक और छोटा सा न्यूज़,
ऑलरेडी सब लोग पूछ रहे हैं कि AOT का क्या हाल है। AOT भी 1K सब्सक्राइबर्स के बाद से एपिसोड रिलीज होगा और 1K सब्सक्राइबर्स के बाद से एवरी वीक AOT का एक एपिसोड आएगा। तो जल्दी शेयर करो और 1K सब्सक्राइबर्स लेकर आओ, AOT भी आ जाएगा। और हाईक्यू का ज़्यादा लोग बोले कि हाईक्यू के एपिसोड 1 और 2 का लिंक्स एक्सपायर हो गए, तो उनको भी हम फिर से रिलीज करेंगे अपलोड करके। और जल्दी ही कल या परसों भी एक नया एनिमी का एपिसोड 2 एपिसोड्स रिलीज होने वाले हैं, तो उनको भी देखो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, सायोनारा, जाने।